ये देखिए दोस्तों, तुक्का का उपाय फॉर पारा मेडिकल 2022। अब आते हैं हमारे बीच, इसमें सबको जानना, सबको अप्लाई करना, कब जब ना दिमाग काम करे तब, ठीक है ना। चलिए तो आप देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 100% का रेशियो लेकर चलेंगे। क्या चलेंगे? 100% का रेशियो लेकर चलते हैं हम लोग। रेशियो के अनुसार इसलिए बताते हैं क्योंकि ये तुक्का जो होता है ना, वो एक प्रकार से मैथमेटिक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100% लेकर चलते हैं। 100% करने का मतलब क्या होता है मालूम है? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये टोटल चार ऑप्शन होते हैं। 25% 25% 25% 25% कितना परसेंट हुआ? 100%। इसीलिए तो कह रहे पगला कि 100% लेकर चलेंगे। समझ में आ गया ना, 100% का लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हर एग्जामिनर का एक ही सोच होता है, हर एग्जामिनर का एक ही सोच होता है। पूछिए ना, क्या सोच होता है सर, हमें भी बताइए, जरूर बताने के लिए तो आए हैं। देखिए क्या सोच होता है। सबसे पहला सोच होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास नेट का सुविधा नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, एजुकेशन नहीं कर सकता है, वो इधर उधर से थोड़ा सा नॉलेज ग्रहण करता है, तो उसके लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन बनाया जाता है वो आपका कितना प्रतिशत बनाया जाता है? तो उसके लिए क्वेश्चन बनाया दोस्तों, आपका 50% क्वेश्चन उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। 50% क्वेश्चन उसके लिए बनाया जाता है जिसके पास पैसा का ना सुविधा है, ना लोन का सुविधा है, ना एजुकेशन का सुविधा है, ना रहने का सुविधा है। उसको देखते हुए एग्जामिनर का सोच होता है, इतना ध्यान रखना बाबू। हम लोग तो भलो नहीं समझते हैं, लेकिन एग्जामिनर का 100% सोच होता है, ठीक है ना। दम ये सोच होता है, इसलिए कि वो भी बेचारा अगर पास कर जाता है थोड़ा सा मेहनत करके, तो वो नया लाइफ बना सकता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए तो 50% उसके लिए क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर 30% ऐसा क्वेश्चन रहता है, 30% आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, कह देगा ना वो कि बाबू तू तो थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा मेहनत करे, मतलब कि मिडिल में, जैसे कि हमारे पास पैसा है लेकिन हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, सिर्फ हम खा सकते हैं। लेकिन ये क्या था 50% वाला, उसके पास ना पैसा है ना खाना है, उसके लिए 50% है। लेकिन 30% क्वेश्चन उसके लिए जो कि खाना तो खा सकता है लेकिन बड़ा गाड़ी से नहीं चल सकता है, बड़ा फ्लाइट में नहीं रह सकता है, उसके लिए 30% क्वेश्चन, यानी कि 50 और प्लस 30 कितना हो गया, 80% क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो बहुत इजी वे में रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? इजी वे में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। जल्दी नहीं बताएंगे दिव्या कुमारी, आप जाना है तो जाइए, जिसको जल्दी करना है वो निकल जाओ, क्योंकि हम जल्दी वाला काम नहीं करते हैं, जल्दी का काम हराम का काम, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आता है दोस्तों 20%। अब 20% क्वेश्चन देखिए किसके लिए आता है, 20% क्वेश्चन उसके लिए आता है जो सबसे ज्यादा तेज होता है और कहता है ना कि हमारा से क्वेश्चन छुटके तो एको को ना क्वेश्चन छुटके तो ये वाला बुद्धि मत लगाइएगा, ये वाला बुद्धि मत लगाइएगा, ठीक है ना। ये 20% वाला बुद्धि मत लगाइएगा कि हमारा से क्वेश्चन नहीं छुटकेगा, आप ये दोनों से मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये 20% वाला है दोस्तों, तो ये 20% क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है, इतना हार्ड रहेगा ना कि आप हमसे फोन करके कहिएगा, एग्जाम देकर आइएगा, डायरेक्ट कहिएगा सर आप क्या पढ़ाए थे, एक भी लड़ा है, ऐसे बोलिएगा एकदम। 100% चैलेंज के साथ कहते हैं कि आप फोन कीजिएगा हमारे सर के नंबर पर कि सर आपने क्या पढ़ाया था जो क्वेश्चन नहीं लड़ा, वो क्वेश्चन आपका ये 20% क्वेश्चन रहने वाला है। क्या होगा? ये आपका 20% क्वेश्चन रहेगा जो कहिएगा कि सर आपने नहीं सही पढ़ाया था, बिल्कुल सही। तो इसी के लिए तो हम उपाय बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पहले तो हम लोग 100% करेक्ट सही कर दिए, अब आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो सबसे पहले एक वाला तो हो गया करेक्ट, हमारा एक वाला हमको करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग फंसते हैं दोस्तों दो ऑप्शन में फंसते हैं, क्या करते हैं हम लोग दो ऑप्शन में कभी कभी फंसते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा ना और ऑप्शन देखिएगा तो मन में डाउट रहेगा क्या पढ़ें, कौन सही होगा, बी वाला सी वाला, बी वाला सी वाला कि ए वाला बी वाला, ऐसा करके कन्फ्यूजन आता है, ए और बी में सस्पेंस रहता है, बताए ना जी, ए और बी में सस्पेंस रहता है, रहता है कि नहीं रहता, बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहता है। अब हम क्या करें, और जानते हैं एक चीज और क्या होता है, कभी कभी तो तीनों को क्वेश्चन में सस्पेंस रहेगा, ए बी सी, ऐसा भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ए वाला मारू कि बी वाला मारू कि सी वाला मारू। हम लोग क्या करते हैं, मन में बोलते राम एक राम दो तीन चार, ऐसे करके भी सही मारते हैं। बहुत तरह के लोग होते हैं, इसके लिए हम ऐसे बता रहे हैं, होते हैं ना जी, होते हैं ना, हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो चार गो ऑप्शन पर होंगे बाबू, ए बी सी डी,
अब देखो अब क्या होगा, अब ये आपके साथ चार गो प्रॉब्लम आ गया। अब आपके साथ क्या हुआ दोस्तों, आपके साथ ये वाला चार गो प्रॉब्लम आ गया ना चार गो प्रॉब्लम। तो ये तो आपसे हो जाएगा ए वाला, फंसिएगा ए और बी में। तो ए और बी में अगर फंसते हैं दो गो ऑप्शन वाला में, चाहे ए बी, चाहे बी और सी, चाहे सी और डी, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है सुनिए, सबसे पहले उसी को आंसर मार के आइएगा जिसे आप कभी देखे हो, चाहे पेपर में, चाहे इंग्लिश बुक में, चाहे कहीं कहानी सुने हो, चाहे किसी के द्वारा बताया गया हो, उस वर्ड को टिक करके आइएगा जिसे आप जानते हो। अगर दो गो वाला सस्पेंस हो, क्यों दो गो वाला सस्पेंस होता है मालूम है, मन में ऐसा फील होता है ना कि अरे हम तो इसको देखें, इसको हम पढ़ें, ऐसा लगने लगता है, अंदर से फीलिंग आता है, बेचैनी आता है उस समय, मन में लगने लगता क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसे करके करने लगता फिर करता है ना जी। तो उस कंडीशन में आप ये काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो उस कंडीशन में आप दो गो वाला ऑप्शन में उसी को सही मारिएगा जिसे आप ज्यादा जानते हो। क्या करिएगा, जिसे आप ज्यादा जानते हो उसी को करेक्ट मार के आइएगा। तो ये भी आपका हुआ प्रॉब्लम सॉल्व, हुआ ना जी। तुक्का मारने का उपाय बता रहे, ये तुक्का मारने का वेस्ट तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करते फिर विशाल सर को फोन कीजिएगा, कब, जब रिजल्ट आएगा तब, ठीक ना, विश्वास नहीं है तो। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों, अब तीन गो वाला प्रॉब्लम आता है। सर अब हमारे पास तीन गो वाला प्रॉब्लम है, ए बी सी, बी सी डी, अब क्या करें सर, ऐसा वाला भी प्रॉब्लम जनरेट हो गया। तो हुआ तो क्या हुआ, आपके मुट्ठी में है क्वेश्चन, आपको दिया गया किस लिए, बनाने के लिए ना, तो बनाइए ना, काहे नहीं बनाइएगा। ऐसा अगर प्रॉब्लम आएगा ना दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, आप दो गो वाला में फंसेगा। अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम आए तीन गो वाला, तो आप हमेशा सी में टिक करके आइएगा, हमेशा सी में टिक करके आइएगा। पहले हम बता दे रहे हैं, अगर आपको तीन गो वाला प्रॉब्लम जनरेट हो क्वेश्चन में ऑप्शन में, हमेशा आंख बंद करके सी मारिएगा, दम लिखित बोल रहे हैं, आंख बंद करके सी मार के आइएगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं खोलना है, आंख बंद करके सी मारिएगा जहां तीन गो वाला प्रॉब्लम हो। किस वाला प्रॉब्लम, जहां तीन गो वाला प्रॉब्लम हो। अब देखिए अब आते हैं दोस्तों, तीन गो वाला मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो गया ना जी। तीन गो वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, जय महाकाल, बहुत सुंदर तन्नू कुमारी। चलिए आप देखते हैं दोस्तों, अब आता है आपके बीच चार गो वाला प्रॉब्लम। तो चार गो वाला प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, देखिए इसको कैसे ईजी है। देखिए आपका चार गो प्रॉब्लम, ए बी, बी बी, सी बी, डी बी, अब क्या करें, सबसे बड़ा माथा में दर्द, ऐसे पकड़ लीजिएगा, ढीला नोचिया लगेगा, बाल का जो जू है ना वो नोचने लगेगा जब चार गो वाला प्रॉब्लम आएगा। था होता है ना जी, चार गो वाला प्रॉब्लम में बहुत एकदम गुस्सा आएगा, लगेगा व्हाट टू डू। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, बस एक चीज, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आप समानुपाती पढ़े हैं, समानुपाती पढ़े होंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ए से डी में और सी से बी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या करना है, ये दोनों में से सबसे पहले देखना है ए को डी से कंबाइन करना है, क्या करना है, ए को डी से कंबाइन करना है, मिल रहा है एक ही से कि नहीं मिल रहा है, ये देखना है। जैसे कि आप मान के चलिए कोशिका पढ़े होंगे, तो कोशिका में राइबोसोम आता है, लाइसोसोम आता है, प्रोटीन कहाँ बनता है वो आता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए ए में भी वही देगा और बी में भी वही देगा, तो बी में वही देगा तो क्या होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो हमको क्या करना है, अगर पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मिलाकर देखेंगे जो भी होगा ना उसको देखेंगे, और फिर इसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और चार गो में से जब भी आपका जो सही होगा वो हमेशा दोस्तों आपका ए सही होगा, दम लिखित के साथ ले लो, ए वाला सही होगा, ठीक है ना, ए वाला सही होगा। तो ये टोटल आपको यही करके आना है, चार गो वाला प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिएगा, मिलेगा, आपको लगेगा ना कि ये तीन गो सही नहीं है, पहल के सही है, और हमेशा पहल के सही रहता है जहाँ पर चार गो प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो यही दोस्तों आपको तुक्का मारने का उपाय है, ये तुक्का कब मारिएगा, जब आपका 275 मार्क अपने से लाइएगा तब, ठीक है ना, क्योंकि 275 मार्क्स लाइएगा अपने से। अब बचा हुआ क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बाबू रे ज्यादा मत बनो, 10 गो और सही कर ले तुक्का मार के, 10 गो तुक्का मार के तुम सही कर लो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, 275 50 5 7 5 12 2 1 3 325 नंबर टॉप कर जाएगा, अरे अरे टॉप कर जाएगा,
275 में से 275 तो अपने से सही किया और 10 को क्वेश्चन नहीं सही कर सकता तुक्का मार के, तो 10 को सही करेगा 325 नंबर तुम्हारा पेपर में नाम आएगा। और तुम जरूर ये लिखवाना कि हम टोटल लर्निंग से पढ़े थे, और मेरा भी नाम देना और रोशन सर का भी नाम देना, नहीं तो खराब लगेगा ना, हमको भी दिल से गर्व होगा, वाह एकदम अल्लाह से मोटिवेशन हमारे बीच आएगा, ठीक है ना।